अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं, कल इंडिया और नेदरलैंड का मैच है, तो आपको क्या लगता है कौन विन कर पाएगा? ऑब्वियसली इंडिया ही विन करेगा। क्यों इंडिया क्यों? बिकॉज द वे ही स्ट्रेंथ इन द बैटिंग एंड द बॉलिंग, हम उनकी जो भी मतलब स्टैट्स देखते हैं, उनकी बैटिंग आप देख के, उनकी बॉलिंग देख के, उनकी माइंड सेट देख के, उनकी स्ट्रेटजीज अबाउट क्रिकेट एंड हाउ लाइक उसने इतना इम्प्रूव किया है, तो सारा कुछ देख के हम लाइक कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं ये कहता हूँ कि इंडिया। देखिए जी, इंडिया आपको, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल। बैटिंग लाइन अगर देखते हैं वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो है फील्डिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा ग्राउंड में वही टीम जीतती है जो स्ट्रगल करती है, जो अच्छा खेलती है, ठीक है। मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे इंडिया जो है ना कल का मैच विन कर जाएगी। मेरे ख्याल में इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और बाकी उनमें नज़र आता है कि वो, उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है जी। तो इस बार भी पक्के कि इंडिया जीतेगा, नेदरलैंड क्यों नहीं जीत पाएगा? नेदरलैंड की परफॉर्मेंस सही नहीं है इतनी, लेकिन जहाँ पे इंडिया जा रहा है वहाँ पे इस बार मेरे ख्याल में कोई टीम भी नहीं जा रही। ऑब्वियसली इंडिया ने जीतना है, उनकी प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने शुरू से ले कर अभी तक कोई मैच नहीं हारे वो, उनके यहाँ जो खिलाड़ी हैं उनके प्लेयर्स जी। लेकिन नेदरलैंड क्यों नहीं विन कर पाएगा? नेदरलैंड की टीम अब इंडिया के साथ कंपैरिजन थोड़ी बनता है, इंडिया के अंदर जो टीम है उनकी, उसके अंदर तो सारे के सारे लेजेंड बड़े पड़े हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सब लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कि इंडिया में ऐसी क्या खूबी है जो सब लोग इसे सपोर्ट करते हैं? इंडिया भाई देख के उधर इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनको कदर है अपनी, मतलब लाइक वो चाहती है कि हम ऊपर हो, दुनिया में हमारा नाम हो, तो देख के सारे उनके जो लाइक बैटिंग में देख के, बॉलिंग में देख के, उनकी इन्वेस्टमेंट देख के, उनकी कदर देख के, सारी चीज़ें मतलब लाइक वो उनको क्रेडिट जाती है, उनकी क्रिकेट बोर्ड को, उनकी लाइक मैनेजमेंट को, उनकी हुकूमत को, कि लाइक इस तरह करते कि हम शाइन हो दुनिया में, बोर्ड में। इंडिया के प्लेयर्स अच्छे हैं वो या ना हो, लेकिन बात परफॉर्मेंस भी जाती है, वो मेहनत करते हैं और वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्या उनकी बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है? उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग में जवाब नहीं होगा। देखिए जी, इंडिया में जो खूबी है वो तो एक अलग बात है, इंडिया की अगर लोग तारीफ़ करते हैं तो वो तारीफ़ के काबिल भी है, उनकी परफॉर्मेंस देखें ठीक हो गया है, इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग टीमों से जीतता है, ठीक है, हम उन्हें सलूट करते हैं, उनकी फील्डिंग देखें बड़ी ज़बरदस्त उनकी उनकी परफॉर्मेंस है ना, उन्होंने आपने देखा होगा, उन्होंने अपना जो कहते हैं एक भी मैच नहीं हारा, नंबर एक, नंबर दो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, नंबर तीन वो अपनी जो है ना अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, ना कि इंडिविजुअल कोई नहीं खेलता। अनफॉर्चुनेटली होता रहता है, और अगर जो मेन चीज़ है, जो मेन टॉपिक है, अगर उधर मतलब लाइक ये जो डर्टी पॉलिटिक्स इन क्रिकेट एंड एवरीथिंग प्रॉपरली इन क्रिकेट, अगर हम इसको निकाला जाए पाकिस्तानी क्रिकेट से, तो इट लाइक दूसरियाँ ख़त्म करे, और लाइक ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये ना हो, तो फिर पाकिस्तान में लाइक वी कंपेयर करें इंडिया विद पाकिस्तान इन टैलेंट, लाइक तो इफ़ वांट अल्लाह ये दिन आ भी जाएगा कि हम उनको बीट करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान स्ट्रगल करने पे आए तो वो विन कर सकता है? विन कर सकता है, ऑब्वियसली विन कर सकता है, हम लाइक देख के सारे जो लीजेंड्स क्रिकेटर्स हैं उनसे आप राय ले, तो वो ये कहेगा कि सारा दुनिया हम बीट कर सकते हैं टैलेंट पे, बट अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि इधर हमारा जो क्रिकेट है वो शिकार है पॉलिटिक्स। पाकिस्तान क्या क्या कहूँ, इंडिया वाले मेहनत करके टेस्ट देते हैं, और लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं मेहनत करता, चाहे तो वो भी तो कर सकते हैं ना? वो कर सकते हैं, लेकिन वो टड़ाइयाँ खा के अगले दिन मैच खेलने आ जाते हैं, उनसे कैसे मैच खेलने होगा? तो ये उनकी बैटिंग बॉलिंग जबरदस्त है, मतलब तीनों जो है ना उनकी लाइनें फिट हैं, और अपनी फील्डिंग की वजह से, बॉलिंग की वजह से और बैटिंग की वजह से जो है ना इंडिया ऊपर आ रहा है, और हिस्ट्री खोल के देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए, जब ये लोग मेहनत नहीं करते तो इनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान ने मेहनत और की हो। जी आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान मेहनत करने पे आए तो आगे जा सकता है? आगे जा सकता है, लेकिन आगे जाके फिर उन्होंने हारना ही, ऐसे बेहतर है कि अभी पीछे चले जाएं ताकि अगली दफ़ा सही मेहनत करके सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। तो इंडिया ने मजबूत टीमों को ढेर किया हुआ है, हमारी पाकिस्तान टीम जो है, हम खुद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम में वो सलाहियतें नहीं है जो इंडिया में है। जी अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने आप में बेहतरी ला सकता है ना? देखें जी, पाकिस्तान में आप देखें, इंजमामुल हक के दौर की बात करता हूँ मैं, शाहिद अफरीदी की बात करता हूँ मैं, पीछे आप अगर चले जाते हैं कामरान अकमल हो गया, उमर अकमल हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, शुएब अख्तर हो गया, ये जब खेलते थे तो इनका मज़ा आता था, बॉलिंग भी अच्छी होती थी, बैटिंग भी अच्छी होती थी, फील्डिंग भी अच्छी होती थी। अब वो न्यू यंगस्टर जो आ रहे हैं, इन्हें चाहिए कि अपने सीनियर से कुछ सीखें,
कुछ सीखेंगे तो ग्राउंड में आएंगे तो इन्हें बैकअप मिलेगा और ये आगे जा सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम आगे जा पाएगी। स्ट्रगल कहाँ से, स्ट्रगल नहीं है, उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत आपको नज़र आएगी क्योंकि वो पूरा पूरा साल तो अपना IPL खेलते हैं, ठीक है। IPL के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी है, उसके अलावा जितने भी इवेंट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें वो हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे भी खेलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस है जिस वजह से वो विन करते हैं। तो इंडिया में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो बैटिंग और बॉलिंग ज़्यादा अच्छे करते हैं? इंडिया का आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो नहीं करता? जी ये तो है, सब भी बहुत अच्छा खेलते हैं। रोहित शर्मा है उनका कैप्टन, सबसे अच्छा जा रहा है। इसके अलावा विराट कोहली अच्छा जा रहा है। इसके अलावा वो जिसको हम बच्चा कहते हैं, जो सबका बाप बना हुआ है, वो अच्छा जा रहा है। मतलब ये अच्छा कह सकते हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो अच्छा ना खेलता हो? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अच्छा ना खेलता हो। जैसे अब मैं क्या कहूँ, जैसे हमारी टीम है वो एक गिरता है तो साथ में लाइन लग जाती है, तो सारे गिर जाते हैं। अब इनका ये है कि एक गिरता है तो कम से कम दूसरे वाले संभाल लेते हैं, बाकी उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी करते हैं। लेकिन देखिए जी, ये तो हमारे साथ जो है ना हमेशा से चलता आ रहा है। हमारे में जो है ना ये वो प्लान नहीं करके चलते, इन्हें प्लान करके चलना चाहिए कि हमने कैसे वन डाउन जाना है, कैसे अपना बैटिंग करनी है, कैसे जाके हमने ओपनिंग करनी है, कैसे हमने थ्री डाउन जाना है। इनकी प्लानिंग कोई नहीं होती। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, उनमें से कोई भी प्लेयर अगर नीचे करता है बाकी सब उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। देखें जी, इंडिया सपोर्ट करते हैं ना, तो इंडिया जो है उन्हें पता है कि हमने जो है ना विकेट नहीं गंवानी है। अगर उनकी बैटिंग हो रही है ना तो उनका यही स्टाइल होता है कि हम कम से कम 5 से 10 ओवर खड़े हो के स्टेमिना करें, बॉलर को देखें कहाँ से बॉलिंग कर रहा है, इसको कहाँ से शॉट लगानी है, कैसे इसका फेस करना है। पाकिस्तान में वो सलाहियत नहीं है। अगर पाकिस्तान भी थोड़ी सी कॉपी कर ले ना इंडिया की, तो पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा जी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान को इतना नहीं पता चल रहा होता कि हमने जो है ना फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, या हमने कैसे विन करना है, हमने बॉलर को कैसे फेस करना है, वो नहीं लेके आते, अपना सोच लेके नहीं आते वो। वरना पाकिस्तान की भी बैटिंग किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो मतलब ज़बरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने प्लेयर को जो है ना प्रमोट नहीं करते हैं, हौसला नहीं देते हैं। पाकिस्तानी टीम जो है, हमारी जितनी भी टीम है, ये हौसला हार जाते हैं, इन्हें हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं ना, वही मैं बात करूँ कि हिम्मत हार जाते हैं। इन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग होके, और जैसे इंडिया अच्छा खेल रहा है, नदरलैंड जो है वो अच्छा खेल रहा है, और टीमें भी अच्छा खेल रही हैं, उनकी कॉपी करें और उनको फॉलो करते हुए आगे उनसे कुछ सीखें, रोशन करें, उनसे कुछ सीख रहे हैं। यहाँ ये होता है, पता नहीं ये अपने रन रेड के चक्कर में अपनी 50 बना ली, आउट हो गए तो कम से कम हमारा नाम आ जाएगा कि भाई मेरी 50 हो गई, मैं अच्छा खेल रहा हूँ जी। इसीलिए सब लोग इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, जो अच्छा खेलेगा उसी को सपोर्ट मिलेगी, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है जी। बिल्कुल, जिसकी जितनी मेहनत उतना ही उसको फल मिलना। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई इस बार जो है ना वर्ल्ड कप भी उन्हीं का है, इंडिया वालों का। जाहिर सी बात है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है जी। क्या लगता है, इंडिया ही जीतेगा? जाहिर सी बात है, अपने होम ग्राउंड पे उन्हीं का है भाई, इंडिया और नेदरलैंड। मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे इंडिया विन कर चुका है, कर चुका है मतलब कर जाएगा विन, इंडिया विन कर जाएगा जी। अगर कर जाएगा तो फिर तो अच्छी बात। देखिए जी, अच्छी बात हमारे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात नहीं है ना, हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि आप पाकिस्तानी है, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, बॉलिंग की कमी नहीं है, बैटिंग की कमी नहीं है। पाकिस्तान में किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान तो कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना ऊपर आ नहीं पाता। ये हमारे पाकिस्तानी प्लेयर ना घबरा जाते हैं, ऐसे जैसे पता नहीं उनकी वाइफ बीमार हो गई है, माँ जी ने फोन कर लिया, बाजी ने बुला लिया, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इन्हें आने की भी जल्दी होती है और जाने की भी जल्दी होती है, थोड़ा सा विकेट के ऊपर ठहर के खेले। अगर कोई आप में कमी पेशी है तो मुझसे मशवरा ले लिया करें, मैं भी तकरीबन 15-16 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, मुझे बॉलिंग भी करनी आती है, मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझसे मशवरा कर लिया करें, ठीक हो गया, मैं आपको बता दिया करूँगा आपने बैटिंग कैसे करनी है, ठीक हो गया। चलें जी, आइंदे से आपसे ही मशवरा करेंगे जी, मुझसे मशवरा करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है ना आगे बढ़ेगी और मैं आप पाकिस्तानी टीम के साथ हूँ।